नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य में। दोस्तों, पेड़ हमारे जीवन में प्रकृति की एक अनमोल देन है और इसी प्रकृति को बचाने की खातिर हमारे समाज में न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के विचार को भारत सरकार ने अवार्ड देकर प्रोत्साहित किया है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारी वो शख्सियत हैं दिग्विजय डबरिया जी। डबरिया जी, आपका स्वागत है आपके हमारे हम सभी के चहेते कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार डबरिया जी, आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहेंगे वो है आपके कॉन्सेप्ट के बारे में। आप जिस कॉन्सेप्ट पे कार्य कर रहे हैं, पेड़ बचाइए, सेव ट्री, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमने सेव ट्री कॉन्सेप्ट लिया। सेव ट्री बेसिकली तीन तरह से सेव ट्रीज हो सकता है। पहली है हम पेड़ को बचाएं, काटें नहीं जंगल को। दूसरा है हम पेड़ लगाएं। और तीसरा है कि जिस वजह से वो काटे जा रहे हैं हम उन वजह के ऊपर काम करें। तो मेनली पेड़ को काटा जाता है फर्नीचर के लिए और बिल्डिंग मटेरियल के लिए, जो कि मेनली डोर्स विंडो में काम आ रहा है। तो हमने ये सेव ट्री कॉन्सेप्ट में सारे प्रोडक्ट जो डेवलप किए वो वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट डेवलप किए। और ये नया एक कॉन्सेप्ट हमने लिया कि जंगल बचाने के तीन तरीके हैं, ग्रीनरी बचाने के तीन तरीके हैं, और तीसरे कॉन्सेप्ट को हमने लिया। और आज हम ने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट डेवलप की है जिसमें डोर, विंडो, पार्टीशन, फॉल सीलिंग, फर्नीचर सारी रेंज है, जो जीरो वुड रेंज है, जिसमें आपको एक तिनका भी लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा आप ऑफिस बना सकते हैं, पूरा अपना घर बना सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने जो नॉर्म्स फिक्स किए हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, वो है कि आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ 33% जंगल होना चाहिए, ग्रीन कवर होना चाहिए, तभी आपको प्योर एयर और प्योर वाटर मिल पाएगा। अगर हम इंडियन एनवायरमेंट को देखें तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके जो डाटा बता रहे हैं वो करीब 7-8% फॉरेस्ट और ग्रीन कवर इंडिया में बता रहे हैं। जबकि अगर हम उन्हीं डाटाज को वेरीफाई करते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स से, जो डाटाज हमें मिलते हैं रिमोट सेंसिंग स्टडीज़ के, तो हमें केवल 0.3% से 3% के बीच में ही जंगल मिल रहे हैं। एक पेड़ को आज हम लगाते हैं और वो बड़ा होगा उसमें 20 से 40 साल करीब करीब लगते हैं। तो काफ़ी एफर्ट चाहिए, काफ़ी पैसा लगता है उसमें, काफ़ी टाइम लगता है। तो आज हमें एक अच्छी, हमारे फ्यूचर को एक अच्छी लिविंग कंडीशंस देने के लिए आप क्या करेंगे, आपको वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। हमने दो तरह के प्रोडक्ट निकाले, एक पॉलीमर बेस्ड वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जिसमें कि हमने पॉलीमर को मटेरियल लिया है, बेस मटेरियल, और उससे वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाए हैं। दूसरे प्रोडक्ट की रेंज हमने वो डेवलप की है जिसमें जंगल और एग्रीकल्चर वेस्ट, जो कि चावल की भूसी है, गेहूँ की हस्क है, जो कि अनाज के साथ में, क्रॉप में साथ में हमारे को मिलती है, उसको हमने उसमें लिया है। तो हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं ये प्रोडक्ट फ्यूचर के प्रोडक्ट हैं, और आने वाली जनरेशन्स के को अगर बचाना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, एक लिविंग कंडीशन देनी है, तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, डे टू डे यूज़ में लाना पड़ेगा। वाकई में आप जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और ये जानकर तो मैं बहुत ही खुशी हुई कि आप हर साल लगभग 5 लाख पेड़ बचाते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस कार्य की प्रेरणा आपको कैसे मिली। दीप्ति जी, ऐसा है कि मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरे फैमिली में मेरे दादाजी वो टीचिंग लाइन में थे और फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट अवार्ड जो इंडिया में था उसमें वो उनका नाम था। उनके बाद मेरे पिताजी थे, वो भी टीचिंग लाइन में थे, वो प्रोफेसर थे जोधपुर यूनिवर्सिटी में, और रिमोट सेंसिंग के एक्सपर्ट थे, और रिमोट सेंसिंग डाटाज के एनालिसिस पर उन्होंने काफ़ी काम किया। उनका एरिया ऑफ वर्किंग जो था वो मेनली फॉरेस्ट के ऊपर, डीफॉरेस्टेशन ऑफ अरावली पे उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो बचपन से हमें सुनते आए थे, उनके मुँह से उनके लेक्चर्स देते थे वो, या अपने प्रिपरेशन करते थे, घर में बातचीत होती थी, तो रोज़ ये जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ, इस तरह की बातें हमने उनके मुंह से हमेशा सुनी थी। तो मैंने जब अपनी स्टडीज़ की, मैंने बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में पीजी मैंने प्लास्टिक इंजीनियरिंग से किया। मेरे मन में ये था कि मेरे फादर बड़े खुश होते थे जब थे वो, और जब देखते थे कि, तो हमेशा कैलकुलेशन लगाते थे कि आपने इतने पेड़ बचाए, इतने दरवाजे बनाए, इतने फॉल सीलिंग बनाई, इससे आपने इतने पेड़ बचाए, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मुझे बड़ी सुकून मिलता था
कि मैं अपने पिताजी के आदर्शों पर चल पा रहा हूँ, उनकी शिक्षा को कहीं कर पा रहा हूँ कुछ। हालांकि बिजनेस को बिजनेस में मेनली मोटो तो पैसा कमाने का ही होता है और ट्रूली हम पैसा कमा ही रहे हैं, परंतु साथ में हम एक सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, एक सोशल फुलफिलमेंट भी हम फील करते हैं कि जब हम कई लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप इतने पेड़ बचा रहे हैं, इतना आप सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। रियल में तो मेरे पिताजी के आदर्श हैं जिन पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी सिखाई हुई शिक्षा है जो मेरे आज बिजनेस में भी काम आ रही है और इस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में भी काम आ रही है। आप जो कार्य कर रहे हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें और फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी क्या-क्या हैं? फ्यूचर प्लानिंग दीप्ति जी, जो बेसिक है, अवेयरनेस इज द मेन थिंग, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्ट कम्युनिटी, स्टूडेंट्स कम्युनिटी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, उसके अलावा कारपेंटर्स जो कि सबसे की रोल अदा करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उनको हमको अवेयरनेस करना है, उनको जोड़ना है हमारे प्रोडक्ट के साथ में, वो सबसे एसेंशियल चीज़ है। फ्यूचर में हम अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कॉलेजेस में, आर्किटेक्ट्स को सेमिनार्स में इस तरह की ये कोर्स मटेरियल बनाने की कोशिश की है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने इसको कोर्स मटेरियल बनाया, मटेरियल सब्जेक्ट में उसमें जोड़ा है, व्हाट आर द वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। वुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने ऐड कराए हैं, तो आज नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें एजुकेशन में ये पार्ट है। तो ये सारी जो खूबियाँ इसके अंदर है, ये प्रोडक्ट की खूबियों को हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हर आदमी तक पहुँचाना है, और ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को फुलफिल करने वाली बिल्डिंग्स जो अब आने वाले टाइम में आएंगी, उनको हमें ये सप्लाई करना है मटेरियल, और इसकी सप्लाई फैब्रिकेशन इन दोनों पे हमें अभी ध्यान देना है, तो आने वाले टाइम में हम उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले डाबरिया जी, आइए देखते हैं आपके भाई की आपके बारे में क्या राय है। हमारे पिताजी डॉक्टर सरदार सिंह ढावरिया जी प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा बड़ा नाम कमाया। डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, पर्यावरण संरक्षण के अंदर पूरी भूमिकाएं निभाई। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। मुझे अपने परिवार को पूरा उन पर गर्व है, और इस कार्य के लिए मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पता का चाय, गजब का स्वाद। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ। हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हर दम। क्या मैं करीना जैसी बन सकती हूँ? हाँ, पर ये डैंड्रफ। सिर्फ 1.5 रुपए के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर्स से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ। हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हर दम। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और हम बातचीत कर रहे थे डबरिया जी से। डाबरिया जी, आप एक कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि कॉरपोरेट सेक्टर की सामाजिक तौर पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, और आप उन जिम्मेदारियों को किस तरह से निभा रहे हैं? सामाजिक तौर पे हर कॉरपोरेट की CSR एक्टिविटीज आज गवर्नमेंट ने भी डिफाइन की हुई है, और कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट कहती है कि हर कॉरपोरेट को फुलफिल करनी चाहिए। मेरे फादर की जब भी बरसी है 1 मई को, हम हर साल 200 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं, और हर एक हॉस्पिटल को, जो भी हॉस्पिटल हमारे से ब्लड डोनेशन के लिए रिक्वायरमेंट देता है, हम देते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा हेल्थ कैंप्स करते हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स, उसके साथ में मेडिकल सुविधाएं सारी, टेस्टिंग और मेडिसिंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ये हमारा एक रेगुलर फीचर है हमारे इंडस्ट्री एरिया में, ये हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री में जितने वर्कर हैं, उनके जितने बच्चे हैं, उन सबको एजुकेशन लोन हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लोग एजुकेटेड हो सकें। जयपुर में पतंगबाजी काफ़ी होती है, आपने देखा होगा, यहाँ सकरात पे पतंगबाजी काफ़ी होती है, तो पतंग के माजे से हर साल कई सारे पक्षी
घायल हो जाते हैं। तो उन घायल पक्षियों के लिए हमने एक अस्पताल चला रखा है, उसके अंदर हम सहायता करते हैं। उनके लिए हमने एक वैन लगा रखी है, एम्बुलेंस लगा रखी है, तो घायल पक्षी को इकट्ठा करके और उनके उपचार के लिए हम लेके जाते हैं। महावीर विकलांग में आर्टिफिशियल लिम्ब का काम होता है, तो हम उसमें भी उससे भी जुड़े हुए हैं। ब्लाइंड स्कूल है, उसमें हमने टीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि वहाँ पे भी एजुकेशन का काम हो सके। प्योर एयर और प्योर वाटर देने में सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और 6 से 7 लाख साल के पेड़ बचा रहे हैं, तो हमें तो ये फुलफिलमेंट है और हमें इस बात की गर्व है कि हम इस तरह की एक्टिविटी से जुड़े हैं और ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। ओवरऑल अभी तक डावरिया जी, हमने आपको जिस तरह से रीड किया है, तो एक तरफ हमें आप एक आर्टिस्टिक पर्सन लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप जयपुर की शान यानी कि जो हमारा पोलो गेम है, आप उससे भी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। आर्ट और कल्चर में तो जयपुर की वैसे भी विरासत रही है और परंपरा रही है, तो हमने अभी एक जयरंगम के नाम से थिएटर फेस्टिवल किया था, तो उसमें पूरे इंडिया से सभी लीडिंग कलाकार और थिएटर फेस्टिवल, थिएटर से रिलेटेड सभी लोग आए थे और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। इस थिएटर फेस्टिवल को हम आगे बढ़ा के और एक नेशनल लेवल का इवेंट बनाना चाहते हैं। घुड़सवारी मेरा शौक है, पोलो खेलना मेरा शौक है, वैसे भी जयपुर की एक रिच परंपरा है और पोलो जयपुर का हार्ट है, जयपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के राजघराने, सेना, फौज सभी लोग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं। यहाँ बड़े अच्छे पोलो ग्राउंड्स भी यहाँ पर है। 61 कैवलरी के 3 ग्राउंड है, एक ग्राउंड हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल रामबाग का पोलो ग्राउंड है जो कि मक्का ऑफ पोलो कहलाता है। तो मैं पोलो भी खेलता हूँ, मैं उससे भी जुड़ा हूँ। तो हमने भी जयपुर में वो टूर्नामेंट कराया है और 7 दिन का पहला जयपुर का एरेना पोलो टूर्नामेंट कराया है और मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सब एक्टिविटी है और पोलो एक पैशन भी है और मुझे फिट भी रखती है। अब आप हमारे लक्ष्य के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीप्ति, मैं लक्ष्य के दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं 15-20 साल के कैरियर में करीब करीब 1 करोड़ पेड़ बचाने में सक्षम रहा हूँ, मैं हर देशवासी से, हर दर्शक से ये चाहूँगा कि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1 पेड़ बचाएं और आने वाली जनरेशन के लिए एक ग्रीन भारत का निर्माण करें। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा इस पते पर, सर्वनी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ मीडिया, 62E के पॉकेट, शेख सराय फेज 2, न्यू दिल्ली। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 01164625566। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9810542961। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।